नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। खेलों का महाकुंभ माने जाने वाले ओलंपिक के 32वें संस्करण का आगाज 23 जुलाई से जापान की राजधानी टोक्यो में होगा। भारत ने उद्घाटन समारोह के लिए पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और 6 बार की विश्व चैंपियन महिला मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम को ध्वजवाहक बनाया है। ओलंपिक के दौरान कोरोना की खतरे को देखते हुए उद्घाटन समारोह में सिर्फ 44 भारतीय खिलाड़ी ही भागीदारी रखेंगे। साथ ही दल से सिर्फ 6 अधिकारियों को ही इसमें हिस्सा लेने की स्वीकृति मिली है। कोरोना के खतरे को देखते हुए ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय दल कम संख्या में दिखाई देगा और जिन खिलाड़ियों का अगले दिन इवेंट है उनको तो यही कहा गया है कि आप सेरेमनी में भाग ना ही लें तो ही अच्छा है। इस बात की जानकारी भारत के ओलंपिक मिशन के चीफ प्रेम कुमार वर्मा ने दी है। इस बार 120 से ज्यादा एथलीट भारत का ओलंपिक में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जबकि कुल दल की संख्या 228 है, जिनमें खिलाड़ियों के अलावा अधिकारी, कोच और बाकी स्टाफ भी शामिल है। भारतीय दल से केवल 6 अधिकारियों को ही सेरेमनी में भाग लेने की छूट है। ऐसा ही बाकी देशों के लिए भी होगा। सेरेमनी आधी रात तक चलने की उम्मीद है, इसलिए जिन खिलाड़ियों का अगले दिन इवेंट है उनको आराम करने के लिए बोला गया है। उद्घाटन समारोह के अगले दिन मुक्केबाजों, तीरंदाजों और पुरुष और महिला हॉकी टीम के भी मुकाबले होने हैं। इसके अलावा जो खिलाड़ी क्वारंटाइन में हैं उनको भी ओपनिंग सेरेमनी से दूर रहना है। 23 जुलाई को महिला व्यक्तिगत रैंकिंग राउंड में भारत की दीपिका कुमारी आर्चरी में दम दिखाएंगी। इसके अलावा बॉक्सिंग में लवलीना बोगहेन, विकास यादव और सतीश कुमार पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत से 126 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 2012 लंदन में हुए ओलंपिक में भारत ने 6 पदक जीतते हुए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, लेकिन साल 2016 में रियो डी जेनेरियो में भारतीय दल सिर्फ 2 ही पदक हासिल कर पाया था। अब टोक्यो में भारतीय दल से काफी उम्मीदें हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।